शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ब्रजमंडल से कौन रंग चुरा सकता है। गोपाल, इसमें समझने वाली क्या बात है? यह अवश्य ही असुरी कार्य है, या तो ये कंस के असुर का कार्य है या होलिका का। राधा, पर होलिका ऐसा कार्य क्यों करेगी? और यदि किसी असुर को संकट बनना होता तो लोगों पर संकट बनता, रंगों पर ये संकट क्यों? गोपाल, तो जो भी असुरी कार्य कर रहा है वो ये नहीं चाहता कि हम होली का उत्सव मनाएं, इसलिए उसने सभी फूलों से उनके रंग भी चुरा लिए हैं। पर राधा, किसी की होली ना मनाने से किसी असुर को क्या लाभ? गोपाल, होली से होलिका का संबंध है, अवश्य ये उसी का कार्य होगा। राधा, यदि होलिका को होली से कोई समस्या होती तो उसने पहले ही क्यों नहीं होली पर व्यवधान डाला, जबकि होली तो युगों से मनाई जा रही है। अब ये तो होलिका ही बता सकती है। गोपाल, कल रंग भरी एकादशी, महादेव को प्रथम रंग चढ़ाना है, किंतु अब तो रंग है ही नहीं, और रंग वापस कैसे आएंगे ये तो किसी को ज्ञात नहीं। संसार से रंगों का अदृश्य होना ये बहुत बड़ा अपशगुन है राधा। गोपाल, तुम्हें ज्ञात है एक बार पहले भी इस संसार से सभी रंग अदृश्य हो चुके हैं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? ये सत्य है गोपाल, पापा ने हमें स्वयं वो कथा सुनाई थी जिसमें स्वयं देवताओं ने इस संसार से सभी रंगों को अदृश्य कर दिया था। देवताओं ने? पर क्यों? मैंने ब्रजमंडल के सभी रंगों का अस्तित्व इस कलश में समाहित कर दिया। ब्रजमंडल के सभी लोग जब कल होली का दहन करेंगे, उसी के साथ इन सभी रंगों का भी दहन हो जाएगा, और उन्हें ज्ञात नहीं कि मेरे दहन के साथ संसार के सभी रंगों का भी दहन हो जाएगा। साथी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भालुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये प्रश्न हमें आपसे पूछना चाहिए काकी। हाँ, क्योंकि होलिका के स्थान पर कभी कोई स्त्री नहीं आ सकती है। फिर आप क्या कर रही हैं यहाँ? भालुको, तुम लोगों को ज्ञात नहीं कि होलिका के स्थान को होलिका दहन से पहले जल से सींचा जाता है, ताकि जब होलिका दहन हो तो होलिका शांत रहे। पर हमने तो ऐसी परंपरा के विषय में नहीं सुना है। तुम सब अभी बालक हो, मैं पनिहारिन हूँ। जल की आवश्यकता कब कहाँ पड़ती है मुझे ज्ञात है। परंतु काकी, होली का दहन तो कल है, फिर आप आज ही यहाँ जल लेकर क्यों आई हैं? कल समय मिले ना मिले तो मैं आज ही जल यहाँ ले आई, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कर दिया ना? नहीं काकी, हमें क्षमा कर दीजिए। होलिका के भय में हमने आप पर संदेह किया। पर बलराम, मुझे ये समझ नहीं आता कि होलिका यहाँ आएगी क्यों? ये तो नहीं पड़ा काकी, पर सोम और धामा ने प्रथम बार होलिका को यहीं देखा था। सच में तुम दोनों ने होलिका को देखा है? देखा तो था, पर पता नहीं कौन थी वो असुरी। बलराम, होलिका इस युग में तो नहीं आएगी, और यदि आई भी तो गांव में आएगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। और यदि उसे संकट बनना होगा तो लोगों पर बनेगी, यहाँ पर आके कौन सा अनर्थ करेगी? आप सत्य कह रही हैं काकी, हमें होलिका को गांव में ही ढूंढना होगा। चलो सोमरधामा। अब इन रंगों को विसर्जित करने का समय आ गया है, ताकि इस संसार से ये सभी रंग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं,
और कभी कोई होली ना मना सके। बोलो राधा, देवों ने संसार से रंगों को क्यों समाप्त किया था? अरुणासुर नामक एक असुर के कारण। अरुणासुर? हाँ गोपाल, अरुणासुर होलिका और हिरण्यकश्यप का भाई था। उसका अत्याचार तीनों लोकों में फैल चुका था और संपूर्ण संसार उससे त्रस्त हो चुका था। और देवता अत्यंत चिंतित थे कि उसका वध कैसे किया जाए। क्या इतना शक्तिशाली था वो अरुणासुर कि देवता भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे? हाँ गोपाल, अरुणासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे ये वरदान मांगा था कि वो जिस प्रकार का भी रंग धारण करना चाहे वो धारण करे। इसलिए उस समय और परिस्थितियों के अनुसार कोई भी रंग धारण कर लेता था और सम्मुख आने पर वो दिखाई भी नहीं देता था, और इसलिए देवता उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तो देवों ने उसका वध कैसे किया? उपाय, जब देवताओं के सम्मुख और कोई मार्ग नहीं बचा था तब उन्होंने अरुणासुर का वध करने के लिए सृष्टि के सभी रंगों को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण धरती रंग रहित हो गई थी। मैं होलिका, संसार को साक्षी मानकर इस सृष्टि के सभी रंगों का दहन करती हूँ। आज सृष्टि के सभी रंगों का सदा सदा के लिए विसर्जन करने जा रही हूँ। और आज फिर वो समय लौट आया है जब मेरे भाई अरुणासुर के वध के लिए देवताओं ने सृष्टि के सभी रंगों को कलश में स्थापित कर दिया था। देवताओं ने रंगों का विनाश अपने स्वार्थ के लिए किया था, और आज मैं अपने हित और उद्देश्य के लिए वही करने जा रही हूं। अब ये संसार देखेगा कि मैं इन होली के रंगों को विसर्जित करके देवताओं के विधान को परिवर्तित कर दूंगी, और होली के इस उत्सव को इस संसार से सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। ना होंगे रंग, ना मनेगी होली, और ना ही कोई होलिका दहन के विषय में सोचेगा। होलिका, इस संसार में तुम्हें होली के रूप में जाना जाता है। होली से भी पूर्व होलिका का नाम आता है, और तुम्हारे नाम से संसार में लोग होली का उत्सव मनाते हैं। इसलिए युग युगांतर से तुम्हारा नाम ही संसार में होलिका। तुम्हारे साथ उचित हुआ या अनुचित वो एक भिन्न प्रश्न है, किंतु तुम इस संसार का अनिष्ट करने जा रही हो। संसार में तुम्हारा अस्तित्व ही रंगों के कारण था, किंतु तुम उन रंगों को ही समाप्त करने जा रही हो। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो इस संसार से तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। होलिका, गोपाल, देवताओं ने सृष्टि के सभी रंगों को एक कलश में रख दिया था ताकि अरुणासुर के वध करने के पश्चात वो सभी रंग प्रकृति को पुनः लौटा सके। परंतु क्या राधा? परंतु अरुणासुर को इसके विषय में ज्ञात हो चुका था, और इसलिए उन्होंने देवताओं के साथ छल पूर्वक उस रंगों के कलश को प्राप्त कर लिया था। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ रहा था। हाँ गोपाल, पर केवल इतना ही नहीं, अरुणासुर ने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं इस कलश को भी नष्ट कर दूंगा। इसलिए वो उस कलश को लेकर सभी रंगों का विसर्जन करने चल पड़ा। जैसे सतयुग में मेरे भाई अरुणासुर ने रंगों के कलश को
नष्ट करके संसार से सभी रंगों को समाप्त किया था, वैसे ही आज मैं भी मिटा दूंगी संसार से इन सभी रंगों को। संपूर्ण सृष्टि से प्रतिशोध लूंगी अपने अपमान का। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।